तो सारा चीज बन के रेडी हो गया दोस्तों। ये देखिए भात भुंजिया करेल का है और दाल बन के पूरा रेडी हो गया है एकदम। देखिए ये देखिए दोस्तों सब थाली में पूरा खाना लग गया है, सभी को खाना दे दिए हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा मस्त एकदम बना है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल सोनम प्रिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी दोपहर हो चुका है और पूरा एकदम सावन का महीना है, तो पूरा एकदम बारिश होते रहता है दिनों भर, एकदम कभी भी 24 घंटा में कभी भी आ जाता है। तो देखिए अभी पानी भरा हुआ है पूरा खेत में, अभी अभी थोड़ा देर पहले छूटा हुआ है, तभी हम जा रहे हैं, छूटा है पानी तो अभी नहाने जा रहे हैं। देखिए पूरा एकदम सामान भर लिए हैं नहाने का, तभी चलते हैं, अभी पानी छूटा हुआ है, नहीं तो फिर से आने लगेगा। अभी कभी भी आ जाता है पानी और सावन का मौसम है तो एकदम कहना नहीं है बारिश का। देखिए पूरा एकदम मौसम एकदम मस्त लग रहा है, हरा भरा है एकदम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और उधर देखिए पूरा पानी भर गया है खेत सब में। तो अभी हम चलते हैं, जल्दी नहा के आते हैं, कुआं चलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पानी लाइन नहीं है तो अभी पानी नहीं आ सकता है, तो अभी हम वहीं जा के नहाएंगे। तो हम झरना पहुँच गए दोस्तों, वो देखिए हम लोग का कुआं और बाल्टी वहाँ रखा हुआ है, उसी से नहाएंगे। और उधर देखिए हम लोग का स्विमिंग पूल, और यहाँ देखिए कुआं में इतना सारा पानी भर गया है, वाह। चलिए खींचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा हमको, सामने में है पानी। तो चलिए दोस्तों आप लोग को थोड़ा स्विमिंग पूल दिखाते हैं, वहाँ ऊपर जाके कैसा दिखता है पूरा ऊपर से देखेंगे। ये देखिए दोस्तों पहाड़ों के ऊपर हमारा स्विमिंग पूल कैसा लग रहा है, एकदम पूरा मस्त, पूरा पहाड़ों के बीचों बीच है। उधर देखिए कुआं है और इधर देखिए हमारा स्विमिंग पूल पूरा गंदा हो गया है। जब तक इसमें पानी नहीं भरेगा तब तक पूरा एकदम नहाने में मज़ा नहीं आएगा। अभी तो बारिश हो नहीं रहा है ज़्यादा जो यहाँ पानी भरेगा। देखिए एकदम पूरा मस्त लग रहा है, उधर का नज़ारा देखिए, और हमारा एकदम पहाड़ों के बीचों बीच एकदम कुआं और स्विमिंग पूल है, पूरा एकदम मस्त बना है दोस्तों स्विमिंग पूल। अब इसमें पानी भरेगा तो नहा के आप लोग को दिखाएंगे कैसा लगता है नहाने में। अभी तो हम लोग बस अभी ऐसे ही देख रहे हैं, बन के रेडी है, अब कब पानी आएगा ज़्यादा कब भरेगा। जब तक यहाँ से गिरेगा नहीं ना पानी तब तक यहाँ भरेगा नहीं, तभी वेट करते हैं कब तक उतना पानी आएगा, तभी हम नहा लेते हैं, नहाने के लिए आए हैं। तो हम ऊपर से नीचे आ गए दोस्तों, अब हम नहा लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि पानी भी आएगा, कोई गारंटी नहीं है कब आ जाए, तभी हम नहा लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों हम नहा धोवा के पूरा रेडी हो गए, अब चलते हैं घर। देखिए पूरा सामान पूरा रेडी कर लिए हैं, पूरा भर लिए हैं बाल्टी में, अब चलते हैं उठा के, अब चलते हैं दोस्तों फिर घर। दोस्तों हम घर आ गए, अब इधर ही घाट देते हैं कपड़ा को और घर चलेंगे। देखिए रंगीला भी आ गया क्या करने आया बाबू, जाओ ये सबको लेके जाओ, जाओ तो ये सबको लेके जाओ घर, हम यहीं पे घाट देते हैं कपड़ा सब। दोस्तों हम कपड़ा लत्ता सब घाट लिए, अब देखिए बाबू लेके जा रहा है बाल्टी आगे आगे, देखिए चलो बाबू जल्दी चलो। और देखिए भाभी अभी खाना खा रही है, अभी कालवा है कि बिया रही है, भाभी तो खाना खा रही है दोस्तों, हम भी चलते हैं खाना खाने, देखिए बाबू क्या कर रहा है। तो अब हम खाना खाते हैं दोस्तों, देखते हैं, चलो बाबू खाएगा, चलो। दोस्तों हम खाना पीना खा लिए और बाल उल भी झाड़ लिए, अब चलते हैं बारी तरफ, देखते हैं बैल उल आया है कि, पूरा एकदम बड़ा बड़ा हो गया है ना, एकदम फुआ साथ रोपे थे उस दिन, बोला थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है तो बैल उल आता है तो खा देता है, तो वही सबको देखने के लिए चलते हैं। देखिए बाबू भी आ गया मेरे साथ दौड़ते दौड़ते, और उधर देखिए भाभी भी आ रही है। और देखिए हम लोग बादाम रोपे थे उस दिन फुआ साथ, तो बोला देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया है, अब इसको कोड़ना है दोस्तों, बड़ा बड़ा हो गया है कोड़ने के लायक, तब इसको कोड़ देंगे, थोड़ा सा पानी छूटेगा, थोड़ा सा धूप उगेगा तब ना कोड़ने जैसा बनेगा, यहाँ लस लस हो जाएगा अभी कोड़ेंगे तो। हाँ चलो चलो, अभी पानी का सीजन है तो अभी कोड़ने नहीं बनेगा दोस्तों, थोड़ा सा एक आध दो दिन धूप उगेगा ना तो कोड़ देंगे इसको पूरा, हुआ भी आएगी कोड़ने के लिए घर से। हाँ अभी पानी भिंजल है, और उधर देखिए पूरा पानी भर गया हम लोग का वो दूसरा वाला खेत में, और इधर भी नीचे वाला भी हम ही लोग का है दोस्तों, इसमें राहर और मूंगफली दोनों है, इसमें सिर्फ मूंगफली है और उड़द है, दो ठो है, मतलब दोनों में दो दो को दिए हैं, एक ठो जाएगा, एक ठो उखाड़ेंगे तो एक ठो फिर बचेगा। इसमें अभी कुछ नहीं लगाए, इसमें धान लगाएंगे इसीलिए अभी छोड़ दिए हैं। इधर देखिए हम लोग का तालाब, थोड़ा सा पानी भरा है पूरा,
थोड़ा सा है, पानी ही नहीं आता है कि एकदम पूरा भरे। अभी धान उन भी नहीं रोपाया है। और इधर देखिए हम लोग का मकई पूरा बैल उल खा गया है थोड़ा सा। इधर तालाब तरफ से आता है और खा जाता है। हाँ देखिए ये वाला पूरा खा गया है ना बाबू। चलो इधर गांव का आदमी सब बैल उल चराने आता है ना दोस्तों, तो वही सब खा देता है एकदम। वहाँ छोड़ रखता है, यहाँ छोड़ रखेगा और जाएगा खेलने के लिए, तो वो सब थोड़ी ना मानेगा खेती देख के, तो वही सब चरा दिया है। तो अब चलते हैं घर क्योंकि शाम हो गया है, अब खाना पीना बनाना पड़ेगा। देखते हैं भाभी क्या कर रही है। भाभी भी आई थी बारी तरफ। और इधर देखिए ये वाला है मड़ुआ, मड़ुआ का गाछी किए हैं, वही वाला लगाना है। वो पुल वाला जो खेत है ना उसी में लगाएंगे हम लोग। का है उधर, और इसमें भी लगाए हैं दोस्तों। बाबू दौड़ते हुए जा रहा है दिखाने के लिए। उठो 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 उठो। का करते रहता, अच्छा चलेगा कि? चलो। और इधर देखिए दोस्तों साइड साइड में हम लोग बोदी लगा दिए हैं। साइड साइड में जो झाड़ी है ना वो सब में चढ़ेगा इसलिए लगा दिए हैं। देखिए कितना मस्त उगा है पूरा एकदम पाए से, वहां से वहां तक पूरा बारी में है, पूरा बारी में हम लोग लगा दिए हैं। चलो बाबू अब घर, अब घर चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं खाना पीना बनेगा। चलो आओ अब। तो दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए हम और बाबू का। बाबू चलो अब खाना बनाएंगे। देखिए भाभी सीजने के लिए दी हुई है करील है, ये वाला भफा रहा है अभी, देखते हैं हुआ है कि नहीं। हटो बाबू हटो। देखिए पूरा एकदम डबक रहा है, भफाएगा उसके बाद अभी भुंजिया बनाएंगे इसका। तभी होने देते हैं थोड़ा सा, जला देते हैं आग। जल रहा है ना बाबू, किस चीज का खुशी है? कुछ हो नहीं तो, कहा हंस रहा है? पूरा ही हंसते रहता है दोस्तों, दिन भर एकदम हंसते रहेगा। दोस्तों देखिए हमारा भात बन के रेडी हो गया है, और अभी हम बांस करेल बना रहे हैं, उसको भूंज रहे हैं जो सामने दिए थे भापने के लिए, वही वाला भूंज रहे हैं अभी। देखिए पूरा लाल होके भूंजा गया। अब इसमें डालते हैं हल्दी, नमक डाल दिए हैं। और उधर देखिए दोस्तों हमारा दाल भी बन के रेडी हो गया है। अभी रंगीला खाने जा रहा है भात, भाभी दे रही है। चला दाल के साथ खाएगा ना बाबू। और मेरा इधर सब्जी बनते हैं दोस्तों, भुंजिया भुंजा जाएगा उसके बाद हम लोग भी खाएंगे सब। देखिए पूरा मस्त भुंजा गया है, अभी मसाला उसाला डालेंगे। तो सारा चीज बन के रेडी हो गया दोस्तों। ये देखिए भात भुंजिया करील का है, और दाल बन के पूरा रेडी हो गया है एकदम। देखिए पूरा गार गार है एकदम। तो चलिए भाभी बांटिए भात। हाँ बांट रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बांटिए ना, रात है तो। भाभी भात बांट रही, तब तक हम इधर दाल बांट देते हैं दोस्तों। भुंजिया भी बांट देते हैं। देखिए पूरा एकदम मस्त भुंजिया बना है, करेल का भुंजिया। ये देखिए दोस्तों सब थाली में पूरा खाना लग गया है, अब खाते हैं। अब उधर मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, चलिए बैठिए। खाना दीजिए। हाँ मिल गया, ये मम्मी का और ये वाला पापा का, ये लीजिए पापा। चलिए जी आप भी लाइन में आ जाइए। हाँ चलिए उधर। लक्ष्मी उठ गई ना? हाँ ये भी खाएगी। अच्छा, सभी कोई उठ गए हैं, सिर्फ रंगीला सो रहा है अभी। हाँ। चलिए तो खाते हैं। हाँ चलिए चलिए आइए। सभी को खाना दे दिए हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा मस्त एकदम बना है, दाल भात और करेल का भुंजिया एकदम पूरा मस्त। सभी को खाने के लिए बैठे हैं पूरा परिवार एक साथ, तो चलिए खाइए। हाँ चलिए। और ये वाला कैमरा मैन का है, विजय का मेरे भाई का, तभी खाएगा अभी। कैसा बना है? बहुत टेस्टी बना है। कहाँ पानी?
तो दोस्तों हम लोग सब खाना पीना खा लिए और पापा ही सब चल गए सोने के लिए, भाभी भी चल गई, हम और मम्मी बचे हुए हैं लास्ट में। अभी हम लोग झाड़ू उड़ू लगा लेंगे, उसके बाद चलेंगे घर वहाँ सोने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।